हेलो फ्रेंड्स, फैमिली गार्डन में आपका स्वागत है। मैं जमशेदपुर से धीरेंद्र। आज मौसम क्लाउडी है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ। और बारिश तो रुक रुक के होती है लेकिन ह्यूमिड है वेदर, काफ़ी स्वेटिंग हो रहा है। देखिए, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा वेस्ट टेरेस गार्डन का कुछ ओवरव्यू है जो आपको मेरे वीडियो में दिख रहा होगा। और मैं कुछ प्लांट्स भी दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक फ्लावर के बारे में बात करूँगा। देखिए, एक इसमें येलो कलर का फ्लावर आता है लेकिन इसका नाम मुझे मालूम नहीं है। अगर मेरे फ्रेंड्स, आप लोग को किसी को इसका नाम मालूम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताइए। ये देखिए, मधुमालती है, अब इसमें कली नहीं आ रहा है लेकिन इसको हमने कंटेनर में लगा रखा है। ये मधुमालती है। ये देखिए, विंका है सदाबहार, एक ये विंका है मेरा, ये मदर ऑफ मेलिनियम है, मदर ऑफ मिलेनियम है। देखिए, कैलेंचो वेरीगेटेड है, कैलेंचो है। देखिए, ड्रेसिना मार्जिनाटा है, ये ग्रीन और इसमें डबल कलर होता है। देखिए, ग्रीन और साइड में एक येलो स्ट्राइप होता है और एक ये रेड में है, ये रेड और ग्रीन डबल कलर है। सिंगोनियम है। इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये देखिए, ये आपका मेडिकेशन प्लांट है, ये लेमन ग्रास है, ये भी कलर लीफ प्लांट है, ये लीली है, विंटर में ये देसी रोज है। तो इस तरह से देखिए, उधर मैं आपको ये पिटूनिया है, इस पर तो मेरा वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा। मैक्सिमम पिटूनिया है, रियो है, रियो का मिनिएचर है, डेविल बैकबोन है। डेविल बैकबोन का दो वेराइटी है, ये वेरीगेटेड है, एक ग्रीन है मेरे पास, ग्रीन और पिंक हल्का रहता है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, आपको दिखेगा मेरे टेरेस गार्डन पे। ये मेरा वेस्ट साइड में जो टेरेस है उसके ऊपर है ये गार्डन, और भी काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, देखिए चंपा है, इसे फ्लावर भी आ रहा है, ये देसी चंपा है, इसका हाइब्रिड भी आता है। और एक ये देखिए, नाग चंपा है, इसमें देखिए छोटे छोटे कलियाँ आ गई हैं, ये खिल जाएगा एक दो दिन में, और भी कली आ रहा है। ये नाग चंपा है, एक्चुअली नाग चंपा इसको इसलिए बोलते हैं कि इसका ये यानी कि ये जो है ना, तो नाग के फन जैसा रहता है, देखिए इसीलिए इसको नाग चंपा बोलते हैं। इसमें भी वाइट कलर का फ्लावर आता है। तो ये सब है फ्रेंड्स। और ये देखिए, मेरा आज इस फ्लावर के बारे में मैं बात करना चाह रहा था, ये हिबिस्किस है रेड कलर का, और ये एक फिट का प्लांट है। इसमें देखिए फ्लावर की साइज़ देखिए, कितने बड़े फ्लावर है। ये देखिए, मेरे पूरे पाम पे आ जा रहा है, देखिए अब कम से कम 4 इंच का ये फ्लावर है और काफ़ी सुंदर है, सिंगल कलर में है। इसके बैक साइड में, इसके साइड में हल्का हल्का येलो रहता है, बैक में आपको दिखेगा। ये प्लांट एक्चुअली मेरा इसमें बग लग गया था, तो इसको मैं कटिंग कर दिया था, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से इसको काफ़ी छिड़काव किया हूँ, उसके बाद मेरा प्लांट देखिए काफ़ी हेल्दी हो गया। इसमें और भी बड़ आ रहे हैं, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। इसको गुड़हल भी बोला जाता है। मेरे पास इसके
तीन चार वेराइटीज़ है, ये हाइब्रिड है एक्चुअली। हाइब्रिड वाले को क्या करता है एक्चुअली, इंसेक्ट्स काफ़ी परेशान करता है, मिली बग बग आपको टर्माइट, ये सब बहुत सारे कीड़े इसको परेशान करते हैं, इसीलिए देसी ही गुड़हल लगाना चाहिए। हाइब्रिड वाला को मेंटेन करने में थोड़ा परेशानी होती है, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो इसको लगाइए, अदरवाइज़ देसी गुड़हल में क्या है कि आप गोबर की खाद उसको दीजिए तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, और कभी कभी उसमें आपको मिली बग सब दिखेगा, कोई बात नहीं, उसको आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम ऑयल पानी में मिला के उसका छिड़काव कर दीजिए तो वो सब गिर जाता है। और भी है आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक मल्टी पेटल है, इसमें ये काफ़ी अभी फ्लावर कर चुका है, 8-10 फ्लावर कर चुका है, इसमें अभी देखिए बड है, इसमें देखिए ये फ्लावर करेगा एक दो दिन में, ये मल्टी पेटल वाला है, ये भी हाइब्रिड ही है। ये देखिए और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये पिंक कलर का है, इसमें डबल कलर है, ये बीच में डार्क पिंक है और साइड में लाइट पिंक होता है, इसका बैक साइड में ये इस तरह का वाइट और पिंक शेडेड रहता है, ये भी हाइब्रिड फ्लावर है फ्रेंड्स, काफ़ी सुंदर है। हिबिस्कस तो खैर काफ़ी बंचेज में फ्लावर करता है, देखिए इसमें बड कितने सारे हैं, काफ़ी बड है इसमें, ये देखिए बड काफ़ी है, ये देखिए यहाँ पे भी है। एक्चुअली देखिए हाइब्रिड प्लांट क्या होता ना, हाइब्रिड प्लांट को मेंटेन करना काफ़ी टफ है, उसको केयर काफ़ी करना पड़ता है, उसको सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स परेशान करते हैं, तो इसमें हमेशा आपको स्प्रे करते रहना पड़ेगा, इधर आप केमिकल कीजिए ऑर्गेनिक कीजिए, लेकिन ऑर्गेनिक ही करना चाहिए, आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा, आपके सॉइल भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से काफ़ी हेल्दी रहते हैं। देखिए और एक पिंक में मैं दिखाता हूँ, ये देखिए एक ये पिंक है, ये देसी है हमारा, देखिए इसमें एक कली भी है, ये दो देसी हिबिस्कस है, इसकी खूबसूरती कुछ अलग ही है, कितना खूबसूरत फ्लावर है फ्रेंड्स। और ये देखिए इसको लगा के मेंटेन करना काफ़ी आसान है, इसमें आपको उतना बग का या किसी भी तरह के कीड़े का असर बहुत कम रहता है। इसको मैं भूसी बनाने के लिए मैं यहाँ से देखिए कटिंग कर दिया था, देखिए यहाँ से मैं कटिंग किया हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे एक ब्रांच दो ब्रांच देखिए तीन ब्रांच चार ब्रांच देखिए 5-6-7 काफ़ी ब्रांचेज इसमें निकल आए, इधर से भी होगा ये 7-8 ब्रांच इसमें है, तो अभी ये 1.5 फीट लंबा है, तो ये नेक्स्ट ईयर मेरा काफ़ी एकदम बंचेज में फ्लावरिंग करेगा। और एक एक हिबिस्कस है देखिए, ये देखिए मैं इसको कितने छोटे पॉट में लगाया हूँ, काफ़ी फ्लावरिंग करता है, टाइम टू टाइम ये फ्लावर करते रहता है, देखिए पीले पत्ता इसको हटा देते हैं, तो ये झुमका हिबिस्कस है, इसके जो देखिए इसमें कलियाँ हैं, इसमें फूल हमें खिलते ही रहता, आज नहीं आया, ये भी एक दो दिन में खिलेगा, इसमें कलियाँ हैं, ये झुमके की तरह रहता है, इसके बीच वाले जो ये जो रहते हैं ना ये वाला, ये काफ़ी लंबा झुमके की तरह ये लटकते रहेगा, तो इसीलिए इसको झुमका हिबिस्कस बोला जाता है। तो ये भी देसी ही है, तो देसी हिबिस्कस का क्या है कि केयर आसान है, इसको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और ये एक्चुअली ज़मीन में लगाने पे काफ़ी बड़ा भी होता है और फ्लावरिंग काफ़ी करेगा। वैसे मैं इसको 10 इंच की पॉट 10-12 इंच है, 12 इंच का पॉट में लगाया हूँ। ये देखिए मेरा एक रजनीगंधा है, इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं आ रहा, आएगा एक और रजनीगंधा वो दिखाऊंगा मैं, उसमें बड़े सब भी आ गया। तो हिबिस्कस को क्या है फ्रेंड्स, आप लगाइए अपने गार्डन में, काफ़ी सुंदर कलर का आता है, काफ़ी वेराइटीज है इसके, देसी है हाइब्रिड है, तो इसको आप देसी ही लगाइए, मेंटेन करना आसान है, और अगर आप केयर कर सकते हैं तो हाइब्रिड को लगा सकते हैं, ये काफ़ी केयर खोजते हैं। और इसकी मिट्टी की अगर बात करूं तो मिट्टी तो एकदम वेल ड्रेन ही होना चाहिए, पोरस मिट्टी होना चाहिए, देखिए आप एकदम भुरभुरा मिट्टी है, ये देखिए मिट्टी एकदम सॉफ्ट है, तो ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसमें आप 30%
गार्डन सॉइल मिलाइए, 30% आप सैंड मिलाइए या कोकोपीट भी मिला सकते हैं, कोको हस, और काउडंग मिलाइए। जितने की फ्लावरिंग प्लांट किया है ना, फ्लावरिंग प्लांट को न्यूट्रिशन काफ़ी चाहिए होता है, तो इसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आप सरसों की खली डालिए, उसको आप, मैं इसमें डालता हूँ, महीने में एक बार तो ज़रूर डालता हूँ सरसों की खली को। दो दिन नहीं, कम से कम 6 से 7 दिन आप उसको पानी में डाल के छोड़ दीजिए, और उसका 1 को डबल करके इसमें एक एक मग डालिए। इनफैक्ट सभी प्लांट में डालना चाहिए, मैं तो सभी फ्लावरिंग प्लांट में डालता हूँ, जिसके चलते इसके फ्लावर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, कलियाँ बड भी काफ़ी आएगा, फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होता है। और इंसेक्ट तो मैं बताया आपको, इसमें आपको वाइट बग, मिली बग, ये सब थोड़ा इसको परेशान करता है, अदरवाइज़ काफ़ी हेल्दी होता है ये, और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावरिंग भी करेगा। इसको एक्चुअली रेनी सीजन में अगर आप थोड़ा कटिंग कर देंगे ना, तो ये काफ़ी बूशी आपको प्लांट हो जाएगा, काफ़ी सारे इसमें ब्रांचेज, मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगे। ये देखिए, ये 10 इंच का गमला में, देखिए 10 इंच का गमला में, और 2 फीट प्लांट है, और इसमें देखिए 1, 2, 3 फ्लावर तो अभी है, काफ़ी कम से कम 10 इसमें कलियाँ हैं, सभी में देखिए 2-2 कली दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है, हर जगह आपको कलियाँ दिखेगी, ये देखिए यहाँ पे भी कली है। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग करता है, और ये मल्टीपेटल वाला है। ये हिबिस्कस का खासियत क्या है ना, ये इसके फ्लावर 2 दिन रहते हैं, जनरली आपको जितने भी गुड़हल मिलेंगे उसके सुबह में खिलते हैं और शाम में वो मुरझा जाते हैं, लेकिन इसका 2 दिन रहता है। और एक मेरे पास डार्क पिंक भी है, वो मेरे दूसरे साइड में लगा हुआ टेरेस पे, उसमें आपको वो भी एक पिंक कलर का फ्लावर है और काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है, वो भी हाइब्रिड ही है, उसके भी फ्लावर 2 दिन रहते हैं, वो एक्चुअली पूना हिबिस्कस है, उसमें 2 दिन फ्लावर रहता है। और फ्रेंड्स एक देखिए, एक रजनीगंधा है मेरा, ये अभी फ्लावरिंग करेगा, काफ़ी सुंदर है, जब भी फ्लावरिंग करेगा तो मैं इसका वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। और ये रेड वाला है, देखिए इस प्लांट को मेरा मिलीबग पूरा ख़राब कर दिया था, और तो इसको मैं कटिंग करके इसमें काफ़ी ऑर्गेनिक स्प्रे किया हूँ इंसेक्टिसाइड का, तो जिसके चलते ये मेरा प्लांट बच गया है। और अभी मैं हर 4-5 दिन पे एक बार वो स्प्रे कर सकता हूँ, वो एक्चुअली ऑर्गेनिक है, तो आप 2 दिन पे भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लांट को ख़राब नहीं करता है, उसके पानी से और इसके लीफ और जो पानी इसका मिट्टी में गिरता है, इससे वो हेल्दी होता है। देखिए इसके मिट्टी एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, देखिए एकदम सॉफ्ट मिट्टी होना चाहिए, तभी प्लांट हेल्दी रहेगा आपका। तो यही है फ्रेंड्स, मेरे पास ये सारे हिबिस्कस के फ्लावर हैं जो मैंने आपको दिखाया। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो मैं आप ही लोग के लिए बनाता हूँ, तो आपको फ्लावर के बारे में पता चले, और सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, उनको भी पता चलेगा काफ़ी सारे फ्लावर के बारे में। ये पिंक वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हिबिस्कस फ्लावर के बारे में ही बात करना था। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, बाय।